जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर यतिद्रानंद गिरी पहुँचे जबलपुर। जी हाँ, जबलपुर से जहाँ महामंडलेश्वर स्वामी यतिद्रानंद गिरिजी महाराज श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा जीवन दीप आश्रम रुड़की उत्तराखंड का आगमन आज दोपहर भोपाल से हुआ, जहां दोपहर का भोज और विश्राम सुख सागर पचौरी के संजीवनी नगर स्थित निवास पर किया गया। स्वामी जी का आध्यात्मिक स्वागत सुख सागर पचौरी, गौरव गोटिया, राजेश पचौरी, अभय सिंह ठाकुर, ऋषभ गोटिया, लक्ष्मी नारायण पाठक एवं सत्येंद्र पचौरी द्वारा श्री फल शॉल व फूल मालाओं से किया गया। जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर जी ने अपने श्री वचनों से माँ नर्मदा और गोकुंभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बाद में स्वामी जी ने माँ नर्मदा के उद्भव स्थल अमरकंटक के लिए प्रस्थान किया। जी गुरु जी, आज चर्चाएं हो रही हैं यहाँ पे, आगे क्या है? आप इसे कुछ बताओ तो। जी। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, हम माँ नर्मदा को प्रणाम करने के लिए जबलपुर आए हैं और अभी अमरकंटक जाएंगे, जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम है, वहाँ माँ की पूजा करेंगे। माँ नर्मदा की महिमा शास्त्रों में गंगा से भी बढ़कर बताई गई है, क्योंकि गंगा में स्नान का जो महत्व है, पुण्य फल है, नर्मदा के दर्शन मात्र से वह प्राप्त हो जाता है। और संसार की एकमात्र यह पुण्यशाली नदी ऐसी है जो नीचे से ऊपर की ओर उल्टी दिशा में, जिसमें इतना सामर्थ्य है, क्योंकि नीचे की ओर बहना इसमें कोई अपने सामर्थ्य पुरुषार्थ की बात नहीं होती, लेकिन ऊपर की ओर चलना नर्मदा कहीं ना कहीं जीवन में ये प्रेरणा देती है कि सभी के जीवन में अगर पुरुषार्थ होगा तो वो ऊर्ध्व चलते हुए परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा, एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, और मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा कुंभ जो इस बार दूसरी बार लग रहा है, ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। ऐसे पवित्र नदियों का महत्व बढ़ना चाहिए। नर्मदा नदी के किनारे मैं समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति वृक्ष लगाएगा, वृक्षारोपण करेगा, उसके जीवन में नर्मदा माँ की अभूतपूर्व कृपा उसके जीवन में, उसके परिवार पर भी सदा सदा रहेगी। अधिक से अधिक नर्मदा के किनारे पर वृक्षारोपण होना चाहिए। और हम अमरकंटक से लौटकर यहाँ प्रज्ञा धाम में कार्यक्रम चल रहा है, हमारे आह्वान अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं स्वामी प्रज्ञानंद जी, हमारे अच्छे प्रेमी मित्र भी हैं, उनके यहाँ आयोजन में हम रहने वाले हैं। गुरु जी, बात की जा रही है कुंभ की, कुंभ में बड़े दूर दूर से पुण्य महात्मा जी आ रहे हैं। कुंभ पवित्र नदियों के किनारे इसीलिए लगता है कि संतों का समागम हो सके। पवित्र नदियों को ब्रह्मा जी ने यह विधान दिया है कि संसार के पापों को हरना, संसार के लोग मनसा वाचा कर्मणा थोड़ा बहुत पाप सभी से होता रहता है, ना चाहते हुए भी कई बार हो जाता है, तो पवित्र नदियों को ये ब्रह्मा जी ने विधान दिया है। और नदियों को कहा गया कि कोई भी तुम्हारे किनारे आए, उसकी जात नहीं पूछना, पात नहीं पूछना, वो पतित है कि पावन है, तुम्हारे किनारे जो भी आया है तुम उसके पापों को धो दो, उसको निर्मल करो। तो ये पवित्र नदियाँ जीव जगत के पापों को धोती हैं, उनको निष्पाप करती हैं। लेकिन उस समय नदियों ने ये बात कही थी कि अगर हम संसार के पाप धोएंगे, संसार की मलिनता को हम अपने में ले लेंगे, तो हम उनकी मलिनता को लेकर कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा, हम उनकी मलिनता से कैसे मुक्त होंगे। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे नदियों, हे पवित्र सरोवरों, तुम्हारे किनारे कभी कभी चलते फिरते साधु संत आएंगे, और जब साधु संत आएंगे
तो उनके दर्शन से, संत दरस जीव पातक टरही, उनके दर्शन मात्र से जीव जगत के जो पाप तुमने हरे हैं उनके दर्शन मात्र से ही वो सब जलकर दग्ध हो जाएंगे। तो ये जो कुंभों की रचना है, चाहे वह नर्मदा जी के किनारे हो रहा हो अथवा छत्तीसगढ़ सरकार में राजिम कुंभ होता है अथवा चार भारत में जो प्रमुख कुंभ हैं हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयाग में, इसका आयोजन इसलिए होता है कि वहाँ संतों का समागम है। अब संत कहीं ना कहीं गिरी कंदराओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, सामान्य जन को उनके दर्शन भी सुलभ नहीं हो पाते हैं, उनकी वाणी सुलभ नहीं हो पाती हैं। तो कुंभ एक ऐसा आयोजन होता है जहाँ देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, यानी देवता भी, यक्ष भी, गंधर्व भी, किन्नर भी और बड़े बड़े तपस्वी संत भी वह सब कुंभ में जरूर पधारते हैं। तो जन सामान्य भी कुंभ में जाता है तो एक ही स्थान पर दिव्य दिव्य संतों के उसको दर्शन हो जाते हैं। और कुंभ का अर्थ यह भी है मंथन करना। समाज निरंतर परिवर्तनशील है, समाज के नियम भी निरंतर बदलते हैं, पैदा होती हैं, तो ऐसे में वह समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है, नया नियम क्या बन सकता है, उसके लिए जो हमारे धर्माचार्य हैं, संत महात्मा हैं, जब एकत्रित होते हैं तो विचार करते हैं, मंथन करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं और फिर समाज को वो दिशा देते हैं, आह्वान करते हैं कि आप इस समस्या से इस प्रकार से समाधान पा सकते हैं, कुछ नए नियम भी बनाते हैं, इसीलिए कुंभ का महत्व होता है। गुरु जी, देवों के देव महादेव की बात की जा रही है, उनकी भी एक टोली जो आती है हर साल की तरह, इस साल भी दूसरा वर्ष है ये कुंभ को लेके, तो वो जो टोली आती है उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या है वो महादेवों के देव महादेव की जो टोली इलाहाबाद से आ रही है? देखिए, वो जो टोली है वो हमारे नागाओं की टोली होती है और जो नागा हैं ये बड़े व्रत प्रवृत्ति के होते हैं और शिवो भूत्वा शिवम यजेत है, जिस प्रकार से शिव को भजते भजते और शिव स्वरूप को जाना चाहिए, तो ये हमारे जो नागा होते हैं ये हमारे संत समाज की शान है, जिन्हें जीवन से कोई मोह नहीं रहता और वो दिन रात केवल ईश्वर के ध्यान, ईश्वर के चिंतन में मगन रहते हैं। तो वो जब आते हैं तो ऐसे मेलों की वो शोभा भी होते हैं और उनकी जीवन की जो तपस्याएं हैं, उनके जीवन में जो उत्पन्न सत्व गुण है, उस सत्व गुण से जिस दिशा में भी वो जाते हैं वो दिशा महकती चली जाती है और उनका आना, यहाँ के समाज को उनका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और उनका दर्शन और उनकी आशीर्वाद लेकर अपने को धन्य करना चाहिए।